दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह आपका अवधेश एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक ज़माना था, हम लोगों का ज़माना था 3-4 डिकेट पहले, जब लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते थे या गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना चाहते थे। इसके अलावा लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के समय आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज लॉ का करियर कितना अच्छा माना जाता है, आज आपके पास में होटल मैनेजमेंट है, लॉ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट्स हैं, वो सारे कैरियर आपके सामने खुल गए हैं। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योरशिप भी आजकल हमारे देश में बहुत पॉपुलर हो गया है। लोग अपना खुद का काम करना चाहते हैं, अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं और वो बजाय इसके कि वो नौकरी करें, वो लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आज का जो युवा है वो कई बार बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा एक और नई सी चीज़ हो गई, फॉलो योर पैशन, कि जो आपका दिल करे वो करो। तो कुछ लोग पेंटर बनना चाहते हैं, कुछ लोग राइटर बनना चाहते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ लोग सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। अब इन सब जद्दोजहद में आदमी कन्फ्यूज होता है कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या बनना चाहिए। तो इसके लिए आज का लेसन है जिसमें मैं आपको 7 ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ, रूल्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको अपना कैरियर चूज करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मॉस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बड़ा है एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल डायग्राम जो आपको दिख रहा है। इसमें मॉस्लो ने बताया कि हमारी 5 लेवल्स की नीड होती हैं और जब नीचे की लेवल की नीड जब सेटिस्फाइड हो जाती है तब हम ऊपर के लेवल पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिसको उन्होंने कहा फिजियोलॉजिकल नीड, जिसका मतलब कि सबसे पहले हमें रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत हो। अगर हमारे पेट में खाना नहीं है तो हम ऊंची चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते। तो सबसे पहले जो नौकरी हो, हमारा प्रोफेशन हो, ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हमारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड हो जाए। दूसरे लेवल पे सेफ्टी, आपको आज खाना मिल गया तो आप ये भी चाहते हैं कि आपको कल भी खाना मिले। आप ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, ये ना हो कि आपकी नौकरी ऐसी होगी जिसमें आपकी जान को खतरा हो। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थर्ड लेवल पे होता है लव बिलोंगिंग, आप ऐसा काम करना चाहते हैं, आपकी ऐसी इच्छा होती है कि आप जो लोगों के साथ में आपके अच्छे रिश्ते हों, आपको लोग प्रेम करें, आप लोगों को प्रेम करें, आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हों, अटैचमेंट हो लोगों के साथ में, आपके अच्छे फ्रेंड्स हों, तो ये आपकी जो है एक नीड होती है जो कि उसके बाद में आती है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स का मतलब होता है कि जब हमें अपने अंदर स्वाभिमान हो, गर्व हो। वो कैसे आता है कि जब हमें अपने काम पे कॉन्फिडेंस हो, हमारा सोसाइटी में नाम हो, हमारे कुछ अचीवमेंट्स हों जिसके बारे में लोग चर्चा करें, लोग हमारी इज्जत करें, ये चौथे नंबर पे आता है, हम ये भी चाहते हैं। और फाइनली जो आखिरी में जो नीड होती है या हमारी जो ज़रूरत होती है उसको उन्होंने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड ये का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो एक यूनिक पोटेंशियल है, एक यूनिक चीज़ है, उसको हम कैसे निखारें। हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, क्योंकि हम हैं और हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी के अंदर नहीं थी। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो होती हैं ये 5 तरीके की नीड होती है और हम 5 को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके नीचे की अगर नीड आपकी पूरी नहीं होती है तो ऐसा होगा कि जैसे आप एक बिल्डिंग बना दें जिसका कि कोई बेसमेंट ही कमज़ोर हो तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। तो सबसे पहले हमें नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो नीचे से ऊपर बनती है, ऊपर से नीचे नहीं बनती है। और यही लोग गलती करते हैं कि सबसे पहले लोग सीधा पैशन पे कूदना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते कि जब तक आपके पेट में रोटी नहीं रहेगी तब तक आगे की जो ज़रूरतें हैं कैसे पूरी करेंगे। तो जो 7 जो नियम हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसका ध्यान रखें तो आप जो भी कैरियर चूज़ करेंगे, जो भी आप ज़िंदगी में एक रास्ता बनाएंगे, वो आपको पूरी ज़िंदगी मदद करेगा और आप उसमें खुश रहें। तो पहले तो देखिए ज़रूरत ये होती है कि ऐसा नौकरी आप देखें, ऐसी जॉब देखें, ऐसा काम करें कि जिसमें आपको इनकम एश्योर्ड हो। एक मिनिमम इनकम आपके पास में होनी चाहिए जिससे आपका रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतें पूरी हो सकें। आप देखिए जैसे मान लिया आर्टिस्ट होते हैं या जो बहुत सारे एक फिल्म स्टार होते हैं या सिंगर्स होते हैं, बड़े ग्लैमरस लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे देश के अंदर, जैसे भारत जैसे देश जहाँ पे 125 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसे 100 फिल्म स्टार भी शायद ही हों जो कि बहुत अच्छी इनकम जिनकी हो। अगर आप 1000वें नंबर पे चले जाएं तो आप देखेंगे कि वो लोग पूरी ज़िंदगी एक्स्ट्रा का रोल करते करते उनकी निपट जाती है। वैसे जो राइटर्स होते हैं उसमें से इंडिया में शायद 50 राइटर भी ऐसे नहीं होंगे जो कि
अपनी रोजी रोटी अपने राइटिंग के प्रोफेशन से निकाल सकते हैं, जबकि लाखों लोग किताबें लिखते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले कि क्या उस प्रोफेशन में आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कर पाएंगे, अपनी और परिवार की ज़रूरतों को, ये बड़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि हम हर आदमी आसमान को छूना चाहता है। हम चाहते हैं हमें बढ़िया से बढ़िया जॉब मिल जाए, IIT चले जाएं, IIM चले जाएं, टॉप मल्टीनेशनल में काम करें, गूगल में चले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएं, ऐसे हमारी सपने होते हैं। लेकिन हमारा एक कैलिबर भी होता है, हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या हम उसको पा सकते हैं। ऐसे जॉब की इच्छा करें कि जो आपके कैलिबर को सूट करें। और ऐसे जॉब्स हैं, जैसे कि आपके IIMs में या सिविल सर्विसेज में तो शायद 1,000-2,000 लोग ही हर साल सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे इंजीनियर्स हैं वो हर साल कम से कम 1,000,000 इंजीनियर्स बनते हैं और करीब करीब सभी लोगों को नौकरी मिल जाती हैं। तो इस तरीके के प्रोफेशंस में अगर आप जाते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि ऐसे प्रोफेशन के बारे में आप सपने सजोएं जो कि आपके कैलिबर के बाहर हैं या आपको पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे केसेस में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐसा जॉब चूज़ करें जिसमें सिक्योरिटी हो। देखिए, ये बात तो तय है कि जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी रहती है, लेकिन सरकारी नौकरियाँ बहुत कम हैं और उसके अपने निगेटिव साइड्स हैं। जैसे कि सरकारी नौकरी में आपको अपनी परफॉर्मेंस और मेहनत का कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, करप्शन एक अलग इशू होता है। लेकिन इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो जॉब हैं वो भी बहुत सिक्योर है, वहाँ पे भी किसी को निकाला नहीं जाता है। तो अगर आप ऐसे जॉब को जाएं, ऐसी जगह पे जाएं जहां पे आपकी एक सिक्योरिटी हो कि आपको निकाला नहीं जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा जॉब लें जिसमें कि आपकी इज्जत हो। इज्जत बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आपको इज्जत हो, आपके परिवार की इज्जत हो। कहने को तो आप पैसा जो है वो कमा सकते हैं, रेडी लगा के भी पैसा कमा सकते हैं, आप टैक्सी चला के पैसा कमा सकते हैं, आप चाय बेच के पैसा कमा सकते हैं और हो सकता है बहुत पैसा कमाएं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपको उसमें इज्जत भी मिल रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि सेल्फ इस्टीम नीड भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे अगर कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो आपको बताने में गर्व लगना चाहिए कि हाँ मैं ये करता हूँ। पांचवी जो इंपॉर्टेंट जो हमारी जो रूल्स है वो ये है कि जो नौकरी हो उसमें एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, बॉसेस अच्छे हों, सबॉर्डिनेट अच्छे हों, जहाँ पे आपको दिल लगे। ये नहीं हो कि मंडे आ गया तो आपको डर लग रहा है या आपको ऑफिस में सुबह जाने से डर लग रहा है कि आज क्या होगा, इतना टेंशन ऑफिस में है, ऐसे लोगों के ऊपर प्रेशर रहते हैं, डेडलाइंस के प्रेशर रहते हैं, लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है। इस तरीके के जॉब में अगर आपको ज़्यादा भी पैसा मिलता है तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। छठी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो छठा रूल ये है कि ये आपको ऐसा नौकरी देना चाहिए जिसमें कि आपको अपने परिवार के साथ में और अपने साथ में समय बिताने का मौका मिले। ऐसी बहुत सारी नौकरियाँ होती हैं जिसमें कि आपको समय नहीं मिलता है अपने परिवार के साथ में, आपको टूर पे रहना पड़ता है, आपको ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंट होते हैं, आपको बॉर्डर एरिया पे काम करना पड़ता है, आपको रात में जागना पड़ता है। इस तरीके की बहुत सारी नौकरियाँ हैं जिसमें हो सकता है कि आपको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिले लेकिन आपको ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जब आप कोई नौकरी का सिलेक्शन करें तो उसमें सिर्फ पैसे पे ना जाएं, ये भी देखें कि उस नौकरी में कितना समय आप अपने के साथ में और अपनों के साथ में व्यतीत कर पाएंगे। और फाइनली दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी आप नौकरी करें वो आपके टेम्परामेंट को और आपकी वैल्यूज़ को सूट करें। अब जैसे कि अगर मान लिया कि आप वेजिटेरियन हैं और आप कसाई का काम करें, कसाई के यहाँ पे नौकरी करें, तो कितना ज़्यादा आपके लिए दुखदाई है। उसी तरीके से हर आदमी पुलिस आर्मी में नहीं जा सकता, वो सबके बस की बात नहीं है उस तरीके के काम करना। हर आदमी मार्केटिंग में नहीं जा सकता, हर आदमी सेल्स का काम नहीं कर सकता, हर आदमी 9 to 5 काम नहीं कर सकता। तो आपको ये देखना है कि जो भी आप नौकरी करें वो इस टाइप की नौकरी हो जो कि आपके टेम्परामेंट को और आपकी फंडामेंटल वैल्यूज़ को सूट करे, क्योंकि जब भी आप ऐसा काम करेंगे तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, अदरवाइज़ आप काम करेंगे और फिर आप सोचेंगे कितनी जल्दी वहाँ से भागें। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप इन 7 जो हमने आपको रूल्स बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करें और इसके बेसिस पे कोई नौकरी सेलेक्ट करें, कोई कैरियर सेलेक्ट करें, तो निसंदेह आपकी नौकरी अच्छी होगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आप ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी पा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप अपना कमेंट्स करें, अपने विचारों को व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।